तो आपने देखा कि किस प्रकार हम इंटरक्वार्टाइल डिवीजन की कैलकुलेशन विभिन्न श्रेणियों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन को, यानी कि चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन भी बहुत ही आसान होता है गणना करने में। क्वार्टाइल डिवीजन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए भी हमें Q3 और Q1 ही फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस आता है उसका आधा हम करते हैं, या कहा जाए तो उसको 2 से हम भाग देते हैं। अब क्योंकि ये जो इंटरक्वार्टाइल डिवीजन हम कैलकुलेट कर रहे थे Q3 माइनस Q1, इसको ये क्वार्टाइल डिवीजन दो भागों में, कहा जा सकता है कि दो समान भागों में विभक्त कर देता है, बांट देता है, इसलिए इसे कई बार हम अर्ध चतुर्थक विचलन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि ये कैलकुलेशन इसकी बहुत इजी होती है। अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्वार्टाइल डिवीजन की जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत आसान होती है। दूसरे, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये समंक श्रेणी के माध्य का अध्ययन करने के लिए, ज़्यादातर हम इसको समंक श्रेणी का जो माध्य है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो ये क्वार्टाइल डिवीजन से माध्य लेने के लिए किसी विशिष्ट माध्य को अलग से लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम क्वार्टाइल डिवीजन के आधार पर ही निकाल सकते हैं। चौथी इसकी बात विशेषता हम देखते हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन ज्ञात करने के लिए सीमांत पदों का जो प्रभाव होता है वो यहाँ पर अन्य जब हम कैलकुलेशन करते हैं, दूसरी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी तुलना में क्वार्टाइल डिवीजन करते समय उनका प्रभाव जो होता है इन पर कम पड़ता है। अब अगर हम इसके गणना विधि की बात करें तो जैसे कि हमने अब तक समझा कि प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले हमको Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1 प्रथम चतुर्थक कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको Q3 यानी कि तृतीय चतुर्थक थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और बहुत आसानी से हम क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर हमको इसका विचरण गुणांक भी ज्ञात करना हो, कोफिशियंट भी कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में हम बहुत आसान एक फॉर्मूला लगाएंगे, चतुर्थक विचलन गुणांक बराबर Q3 माइनस Q1 यानी तृतीय चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 यानी तृतीय चतुर्थक प्लस प्रथम चतुर्थक। तो इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हम बहुत आसानी से विचरण गुणांक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों में अंतर चतुर्थक यानी क्वार्टाइल डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना के लिए हमें जो प्रश्न दिया गया है, इसमें हम सबसे पहले इस पूरी श्रेणी को तालिकाबद्ध कर लेंगे और क्रम संख्या के आधार पर इसे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमें प्राप्त होगी। अब क्योंकि हमको चतुर्थक विचलन की गणना करनी है, जिसका फॉर्मूला है चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो यहाँ पर भी हमें क्योंकि Q3 माइनस Q1 की कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में हम Q1 की कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम देखते हैं कि Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइज ऑफ 9 प्लस 1, क्योंकि n यहाँ पे क्रम की जो संख्या है, कुल संख्या वो 9 है, 9 है, तो यहाँ पर ये साइज ऑफ 9 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में साइज ऑफ 10 अपॉन 4th आइटम हो जाएगा, यानी कि ये साइज ऑफ 2.5th आइटम हो जाएगा। अब क्योंकि ये साइज ऑफ 2.5th आइटम है तो इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, और हम देखते हैं कि 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आता है, तो हम साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइज ऑफ थर्ड आइटम जो है वो है 25 और साइज ऑफ सेकेंड आइटम जो है वो है 18, तो हम यहाँ पे 25 माइनस 18 करके उसमें 0.5 ऐड कर देंगे,
तो ये हमें Q1 प्राप्त हो जाएगा 21.5। बिल्कुल इसी तरह हम Q3 की कैलकुलेशन कर लेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में Q3 की कैलकुलेशन करने के लिए हम साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम यूज करेंगे, जो कि साइज ऑफ 3 9 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू 10 अपॉन 4th आइटम, यानी साइज ऑफ 7.5th आइटम। अब क्योंकि ये 7.5th आइटम हमको प्राप्त हुआ है, तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे साइज ऑफ 7th आइटम प्लस 0.5 और इंटू साइज ऑफ 8th आइटम माइनस 7th आइटम। तो ये हो जाएगा हमारा 75 प्लस 0.5 इंटू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8th आइटम जो था वो 82 था और 7th आइटम जो था वो 75 था। तो ये हो जाएगा हमारा 75 प्लस 0.5 इंटू 7, जो कि हो जाएगा Q3 इक्वल टू 78.5। अब क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का हमारा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 21.5 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 57 अपॉन 2, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमारा हो जाएगा 28.5। अब इसी प्रश्न में अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब क्योंकि हमारे पास Q3 और Q1 हमने ज्ञात किया हुआ है, तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, यानी 78.5 माइनस 21.5 अपॉन 78.5 प्लस 21.5 इक्वल टू 57 अपॉन 100। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा 0.57। खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना करने के लिए यहाँ पर जो प्रश्न हमारे सामने है, उसमें हम देखते हैं कि हमको आकार दिए गए हैं और आवृत्तियां दी गई हैं। इनको हम देखते हैं कि ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसको जब हम तालिकाबद्ध करेंगे तो हम पहले कॉलम में हमें पद मूल्य मिलेगा, दूसरे कॉलम में हम आवृत्तियों को लिखेंगे, और क्योंकि ये खंडित श्रेणी का प्रश्न है तो यहाँ पर हमको CF की भी जरूरत पड़ेगी। तो तीसरे कॉलम में हम यहाँ पर CF की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि होगा 20, फिर 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 15 53, 53 प्लस 12 65, 65 प्लus 10 75, 75 प्लस 8 83, 83 प्लस 4 87, यानी n इक्वल टू 87 हमको यहाँ पे मिल गया है। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमको क्वार्टाइल डिवीजन के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ भी हमको Q1 और Q3 की कैलकुलेशन करनी होगी। तो Q1 की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये खंडित श्रेणी का प्रश्न है, तो Q1 की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, यानी साइज ऑफ 87 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो Q1 हो जाएगा Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 88 अपॉन 4th आइटम, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 22nd आइटम। अब अगर हम 22nd आइटम को संचयी आवृत्ति में देखते हैं, तो ये सबसे पहले हमें 38 में मिलता है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके सामने का जो पद मूल्य है यानी कि 9, वो होगा Q1। बिल्कुल इसी तरह हम Q3 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। खंडित श्रेणी में Q3 कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, यानी साइज ऑफ 3 87 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ये हो जाएगा साइज ऑफ 3 88 अपॉन 4th आइटम, यानी साइज ऑफ 264 अपॉन 4th आइटम, यानी साइज ऑफ 66th आइटम। अब 66th आइटम को अगर हम CF में देखते हैं, तो ये सबसे पहले हमको 75 में मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 75 के सामने का जो पद मूल्य है यानी कि 27, वो होगा हमारा Q3। अब क्योंकि हमने Q1 और Q3 दोनों ज्ञात कर लिए हैं, तो हम बहुत आसानी से क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 27 माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल टू 18 अपॉन 2। तो Qd जो है वो Qd इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसी के आधार पर अगर हमको कोफिशिएंट की कैलकुलेशन भी करनी हो, तो कोफिशिएंट ऑफ Qd इक्वल टू Q3 माइनस Q1
अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन, यानी 27 माइनस 9 अपॉन 27 प्लस 9 इक्वल टू 18 अपॉन 36 इक्वल टू 0.5, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5। अखंडित यानी सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना करने के लिए जो हमारे सामने प्रश्न है उसमें छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं वर्गांतर में, साथ में छात्रों की संख्या दी गई है। यहाँ पर हम इसे तालिकाबद्ध करेंगे तो पहले कॉलम में हम प्राप्तांकों को अंकित कर लेंगे, दूसरे कॉलम में हम छात्रों की संख्या लिख लेंगे, तीसरे कॉलम में क्योंकि हमको यहाँ पे CF की जरूरत पड़ेगी तो हम CF का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर हम CF की एंट्री करेंगे जो कि हो जाएगी 3, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 12 14, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 8 52, 52 प्लस 6 58, 58 प्लस 6 64, 64 प्लस 5 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n हमको जो प्राप्त हुआ है वो 69 है, तो अगर हम चाहें तो अगर ये विषम है तो यहाँ पर हालांकि ये अखंडित श्रेणी का प्रश्न है लेकिन हम यहाँ पर q1 ज्ञात करने के लिए n प्लस 1 अपॉन 4 ले सकते हैं। तो अगर हम q1 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4 आइटम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 70 अपॉन 4, यानी कि 17.5 आइटम। अब अगर हम 17.5 आइटम को CF में देखें तो ये हमको 24 में सबसे पहले प्राप्त होता है, यानी कि इसके सामने की जो क्लास है 20-30 ये यहाँ पर हमारी क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि L1 इक्वल टू 20, L2 इक्वल टू 30, F इक्वल टू 12, Q1 इक्वल टू 17.5 और C इक्वल टू 12 हो जाएगा। जिसे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 12, 17.5 माइनस 12, 20 प्लस 10 अपॉन 12 इंटू 5.5 जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा 20 प्लस 55 अपॉन 12 और ये हो जाएगा 20 प्लस 4.58, यानी Q1 हम ज्ञात कर लेंगे 24.5। इसी तरह हम Q3 की कैलकुलेशन भी कर लेंगे। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, तो साइज ऑफ 3 70 अपॉन 4th आइटम हो जाएगा जो कि नेक्स्ट स्टेप में साइज ऑफ 210 अपॉन 4th आइटम होगा। तो साइज ऑफ ये हो जाएगा साइज ऑफ 52.5 आइटम। अब 52.5 आइटम को अगर हम CF में देखें तो ये हमको सबसे पहले 58 में मिलेगा, तो 58 में अगर मिलता है तो इसके हिसाब से हमारी जो क्वार्टाइल क्लास है वो हो जाएगी 52-60। अब इस क्वार्टाइल क्लास के आधार पर हम निकाल लेंगे L1 इक्वल टू 50, L2 इक्वल टू 60, Q3 इक्वल टू 52.5 ये हमने ज्ञात कर लिया है और C इक्वल टू 52। जब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 6 इंटू 52.5 माइनस 52 जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 50 प्लस 10 अपॉन 6 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 अपॉन 6 यानी 50 प्लस 0.833, तो Q3 हो जाएगा हमारा 50.833। अब क्योंकि हमारे पास Q1 भी है और Q3 भी है तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से क्वार्टाइल डिवीजन भी निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी कि 50.8333 माइनस 24.58 अपॉन 2 इज इक्वल टू 26.253 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 13.12, यानी क्वार्टाइल डिवीजन हमने ज्ञात कर लिया 13.12। अब इसके आधार पर हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर 50.833 माइनस 24.58 अपॉन 50.833 प्लस 24.58 जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 26.253
अपॉन 75.413 इज इक्वल टू 0.348 जो है हमने क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब किरण के अगले कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा इसके रीतियों की कैलकुलेशन की रीतियों की, तो अगली इसकी विधि होगी मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन। मीन डेविएशन जैसे कि हम देखते हैं कि माध्य विचलन जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी भी माप यानी कि किसी भी श्रेणी के विभिन्न पदों के निरपेक्ष विचलनों का समांतर माध्य होता है। तो यहाँ पर जब हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो श्रेणियों का जब हम अंतर लेते हैं तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है वो ये होती है कि जब हम श्रेणियों का डिफरेंस लेते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि विचरण कितना है प्रतिनिधित्व मूल्य से, उसको कैलकुलेट करते समय वहाँ पर हम प्लस माइनस के चिन्हों का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ जब हम उन श्रेणियों की कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस और माइनस के जो चिन्ह होते हैं उनको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, यानी उनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल हम नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर को हम केवल प्लस करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर हमने प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं रखा है और उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन की है, ये कैसे पता चलेगा ये शो करने के लिए जब हम विचलन को यहाँ प्रदर्शित करते हैं डी एक्स के द्वारा, जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ हम डी एक्स के समानांतर दो इस तरह के, जब हम डी एक्स लिखते हैं कॉलम में तो इस तरह से डी एक्स के अगल बगल समानांतर दो सीधी रेखा खींच देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इस पूरी श्रेणी की श्रृंखला की जब कैलकुलेशन की गई है तो वहाँ पर प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कौन कौन से इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल कर सामने आएंगी। तो सबसे पहली विशेषता की हम बात करते हैं कि माध्य विचलन जो है वो पदमाला के सभी मूल्यों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अभी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप होते हैं पूरी श्रृंखला में हर एक के लिए हम अलग अलग विचरण की कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि माध्य विचलन समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक किसी से भी ज्ञात किया जा सकता है। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तीनों के आधार पर हम डेविएशन को यानी विचलन की गणना हम कर सकते हैं। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हम विशेषता कहें या दोष कहें लेकिन अपने आप में काफ़ी लेंदी प्रोसेस है या कह सकते हैं कि कठिन प्रक्रिया है। अगली इसकी विशेषता हम कहते हैं कि इसमें अंतिम पदों का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी कम होता है। अब अगर हम जब हम माध्य विचलन निकाल रहे हैं तो हमको हमारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए हमको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि माध्य का जो चुनाव है वो हमको सही करना है, वास्तविक माध्य का हमको यहाँ पर चयन करना होता है, माध्य की कैलकुलेशन हमको पूरी की पूरी करनी होती है। दूसरी जो हम बात करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीज गणितीय चिन्हों को हमको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन की आदत होती है कि हम प्लस और माइनस के चिन्हों को देखते हैं और उसी आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले भी हमने देखा कि बहुत सावधानी हमको रखनी है और प्लस माइनस के चिन्हों को इग्नोर करना है। तीसरा जो स्टेप होगा वो यहाँ पर देखना है कि जो डेविएशन हम जो फाइंड आउट करेंगे उसका योग हमको, उसका समेशन हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो समेशन ऑफ डेविएशन होगा वो आगे चल के हमको फॉर्मूले में काम आएगा। अगला जो स्टेप होगा वो यहाँ पे वास्तविक माध्यों का प्रयोग करना है, ना कि कल्पित माध्य का, यानी कि वास्तव में हमको मीन की कैलकुलेशन करनी है। हम एज्यूम मीन जो हम अब तक निकाल रहे थे, एज्यूम मीन की कैलकुलेशन ना करके वास्तव में हम एक मीन की कैलकुलेशन, समांतर माध्य की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा रूल है जैसा उसका फॉर्मूला है उसके आधार पर हम वास्तविक माध्य की गणना यहाँ पर करेंगे।
और अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि सही श्रेणी के आधार पर सही सूत्र का हमको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इनको फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप जब मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो 100% सही बनेंगे, यानी कि हम जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे वो सही आएंगे। अब अगर हम बात करें इनके गुणांक की, कोफिशियंट की बात करें, तो जो कोफिशियंट है उसे भी हम, जैसे हमने देखा कि तीन आधारों पर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, मीन के आधार पर, मीडियन के आधार पर और मोड के आधार पर। तो इनके कोफिशियंट भी हम मीन, मीडियन और मोड के आधार पर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको इनका कोफिशियंट मीन के आधार पर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एम डी, यानी कि मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। सेकेंड, अगर हमको इनकी कैलकुलेशन मीडियन के आधार पर करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। अब यहाँ पर हमको मीडियन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर हमको मीडियन के आधार पर निकालना है तो। थर्ड, हम चाहें तो मोड के आधार पर भी डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमने मोड के आधार पर डेविएशन कैलकुलेट किया है तो कोफिशियंट भी मोड के आधार पर ही हमको कैलकुलेट करना होगा। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम डी अपॉन, यानी मीन डेविएशन अपॉन मोड। तो हमने देखा कि किस तरह हम अलग अलग माध्य यानी मीन और मीडियन और मोड के आधार पर मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद किन किन फॉर्मूले के आधार पर इसके कोफिशियंट की कैलकुलेशन करते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मीन डेविएशन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न को पहले हम तालिकाबद्ध कर लेंगे, हम उन सभी आंकड़ों को ज्ञात कर लेंगे जो हमें फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले कॉलम में हम इनके क्रमांक को अंकित कर लेंगे, दूसरे कॉलम में हम प्रश्न में दिए गए पदमूल्यों को अंकित कर लेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर माध्यिका से विचलन यानी प्लस एवं माइनस चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है और डीएम कैलकुलेट करना है, तो थर्ड कॉलम में हम यहाँ पर डीएम के कैलकुलेशन के लिए जो ए है, एज्यूम मीन है, वो हम 101 कैलकुलेट कर लेंगे। तो 101 यानी कि यहाँ पर हमको जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है वो बाय मीडियन यानी माध्यिका के आधार पर ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले मीडियन ज्ञात कर लेंगे, मीन और मीडियन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों ही विधियों से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम मीन ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मीडियन ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम मीन के कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पदमूल्य हमने लिए थे उसका जो टोटल है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी का ये प्रश्न है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समेशन एक्स हमको 1150 और एन 10 प्राप्त हुआ है यहाँ पर, जो कि x बार हमारा हो जाएगा 150। मीडियन अब हम ज्ञात करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी का ये प्रश्न है, यहाँ पर मीडियन ज्ञात करने के लिए हम साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम निकालेंगे जो कि हो जाएगा साइज ऑफ 10 प्लस 1 अपॉन 2 आइटम, साइज ऑफ 11 अपॉन 2 आइटम जो कि हो जाएगा साइज अपॉन 5.5 आइटम। 5.5th आइटम को व्यवस्थित करने के लिए 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5th आइटम जो है इसको हम क्रम संख्या के आधार पर देखते हैं कि 100 है और 6th आइटम जो है वो 102 है, अपॉन 2 करेंगे तो ये 101 हमको मीडियन मिल जाएगा। अब हमको क्योंकि इस प्रश्न में मीन से भी डेविएशन निकालना है और मीडियन से भी डेविएशन निकालना है, तो सबसे पहले जब हम मीन से मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि हमको यहाँ पे मीन जो है वो हमको 115 जो है हमको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा डी एक्स बार है वो हो जाएगा एक्स माइनस 115। एक्स कॉलम की सभी संख्याओं को जब हम 115 से माइनस करते जाएंगे तो हमको जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो होंगी
65, यानी कि जब हम 50 माइनस 115 करेंगे तो 65 माइनस 115 करेंगे तो 50, 66 माइनस 115 करेंगे तो 49, इस तरह से 15, 15, 13, 22, 43, 67 और 75 हमको प्राप्त होता जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमको चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है, इसलिए प्लस माइनस, यानी अगर हम छोटी से बड़ी संख्या या बड़ी से छोटी संख्या किसी में भी माइनस करें तो वहां पर प्लस माइनस के चिन्हों को हमको इग्नोर करना है। तो ये हमने माध्य से विचलन ज्ञात कर लिया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dx बार जो है, समेशन dx बार जो है वो है 414। अब यहाँ पर जो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हो जाएगा समेशन dx अपॉन n, यानी कि मीन डेविएशन इक्वल टू 414 अपॉन 10 इक्वल टू 41.5। दूसरा, जब हम माध्यिका यानी कि मीडियन से इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने मीडियन फाइंड आउट किया था तो हमको 101 मीडियन मिला था। यहाँ पर हम डीएम कैलकुलेट करने के लिए, डिवीजन ऑफ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक्स इक्वल टू 101 अगर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम 50 माइनस 101 करते हैं तो 51, 65 माइनस 101 36, 66 माइनस 101 35, इस तरह से 111 36 57 81 89 हमको ज्ञात हो जाएगा, जिसका टोटल हमको मिल जाएगा समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 338। इसके आधार पर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू समेशन डीएम अपॉन एन, जो कि हो जाएगा 338 अपॉन 10, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 38.8, ये हम ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें इसे इसकी कोफिशिएंट की भी कैलकुलेशन करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अपॉन मीन, तो ये हो जाएगा 41.4 अपॉन 115 इज इक्वल टू 0.36। और अगर हम कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन इक्वल टू, ये हो जाएगा 38.8 अपॉन 108 इक्वल टू 0.394। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए यहाँ दिए गए प्रश्न में पद मूल्य एवं आवृत्ति दी गई है। इस जानकारी के आधार पर हम जिस तालिका का निर्माण करेंगे उसके पहले कॉलम में हम पद मूल्यों को अंकित करेंगे, दूसरे कॉलम में आवृत्ति अंकित की जाएगी और तीसरे कॉलम में हम आवृत्ति के आधार पर संचयी आवृत्ति का निर्माण करेंगे, जो कि 8 प्लस 16 24 प्लस 18 42 प्लस 22 64 प्लस 14 78 प्लस 9 87 प्लस 6 93 प्लस 700 होगी, यानी कि कुल आवृत्ति यानी n इक्वल टू 100 होगा। अब क्योंकि माध्यिका से विचलन ज्ञात करना है इसलिए सबसे पहले हम माध्यिका की गणना करेंगे। माध्यिका की गणना करने के लिए हम m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम को लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा साइज ऑफ, क्योंकि n इक्वल टू 100 है इसलिए साइज ऑफ 100 प्लस 1 अपॉन 2 आइटम, साइज ऑफ 101 अपॉन 2 आइटम, यानी ये हो जाएगा साइज ऑफ 50.5 आइटम। अगर हम 50.5 आइटम को CF में देखें तो ये 64 के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मीडियन है वो इसके सामने का पदमूल्य यानी कि 20 होगा। इस प्रकार हम माध्यिका से विचलन के लिए चौथे कॉलम का निर्माण करेंगे, जिसमें हम DM इक्वल टू X माइनस M के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो मीडियन की कैलकुलेशन की है वो हमें 20 मिला है। x माइनस m करने पर 50 माइनस 20 इक्वल टू 15, 10 माइनस 20 इक्वल टू 10, 15 माइनस 20 इक्वल टू 5,
20 माइनस 20 इक्वल टू 0, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, 35 माइनस 20 इक्वल टू 15, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। यहाँ हम क्योंकि माध्यिका से विचलन निकाल रहे हैं, हम चिन्हों का या ऋणात्मक या धनात्मक मानों को हम इग्नोर करेंगे। जब हम आवृत्ति एवं विचलनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में आवृत्ति 8 है और विचलन जो है वो है 15। तो 8 इंटू 15 120, 16 इंटू 10 160, 18 इंटू 5 90, 22 इंटू 0 0, 14 इंटू 5 70, 9 इंटू 10 90, 6 into 15, 90, 7 into 20, 140। इस तरह से हम देखते हैं कि हमको समीशन FDM equal to 760 प्राप्त हो जाता है। माध्यिका से माध्य विचलन की गणना के लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे उसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे समीशन FDM अपॉन N, यानी 760 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7.6। माध्यिका से माध्य विचलन का गुणांक निकालने के लिए, कोफिशिएंट निकालने के लिए हम माध्यिका से माध्य विचलन जो हमने ज्ञात किया है उसे हम मीडियन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7.6 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.38। अब इसी प्रश्न में यदि हमें समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना और गुणांक की गणना करनी हो तो सबसे पहले हम इसे तालिकाबद्ध करते हुए पद मूल्यों को पहले कॉलम में और आवृत्ति को दूसरे कॉलम में रखेंगे। तीसरे कॉलम में हम पद मूल्यों एवं आवृत्तियों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी x इंटू एफ करेंगे, 5 इंटू 8 इक्वल टू 40, 10 into 16 equal to 160। इसी तरह हम जब x को f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें 270, 440, 350, 270, 210 and 280 ये ज्ञात हो जाएंगे पदमूल्य। समेशन fx अगर हम निकालें तो ये 2020 हमें ज्ञात हो जाएगा और n हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है जो कि 100 है। अब क्योंकि हमें समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम समांतर माध्य यानी कि मीन की कैलकुलेशन कर लेंगे। मीन की कैलकुलेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 2020 अपॉन 100 इज इक्वल टू 20.2। तो हमने मीन 20.2 यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम अगले कॉलम में इस मीन के आधार पर मीन डेविएशन ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मीन जो हमारा आया है 20.2 आया है, इसको हम पद मूल्य यानी x के प्रत्येक नंबर से माइनस करते जाएंगे, जैसे कि 5 माइनस 20.2 तो 15.2, 10 माइनस 20.2 तो ये आ गया 10.2, 15 माइनस 20.2 तो ये आ गया 5.2, इस तरह से 0.2, 4.8, 9.8, 14.8 और 19.8 हमको ज्ञात होता गया। अब चूंकि नेक्स्ट जो कॉलम है वहां पर हमको विचलनों एवं आवृत्तियों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी एफ और डीएक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एफ के कॉलम को डीएक्स के कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें प्राप्त होता जाएगा 121.6, 163.2, 93.6, 4.4, 67.2, 88.2, 88.8, 138.6। इस तरह से फॉर्मूलों का प्रयोग करने के लिए जब हम समीशन f dx ज्ञात करेंगे तो ये 765.6 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे जब हम फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समीशन f dx अपॉन n, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 765.6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7.656। इसी के आधार पर अगर हम इसका कोफिशिएंट निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, यानी 7.656 अपॉन 20.2।
ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन आ जाएगा 0.38। सतत श्रेणी में माध्य विचलन एवं गुणांक ज्ञात करने के लिए जो प्रश्न दिया गया है, इसे हम तालिकाबद्ध करने के लिए पहले कॉलम में वर्गांतर को लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम आवृत्ति को लिखेंगे और तीसरे कॉलम में हम इसका सीएफ ज्ञात करेंगे। सीएफ के कैलकुलेशन के लिए हम 2 2 + 3 = 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 एंड 20 + 1 21 यहाँ पर याद कर लेंगे। एन हमने कैलकुलेट कर लिया है 21। अब क्योंकि यहाँ पर हमको मीन की कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर हम पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये सतत श्रेणी का प्रश्न है, यहाँ पर मिड वैल्यू नहीं दिया गया है, एक्स नहीं दिया गया है, तो वर्गांतरों के आधार पर फोर्थ कॉलम में मीन डेविएशन एक्स ज्ञात कर लेंगे, जिसके लिए हम L1 + L2/2 इस प्रक्रिया को यूज करेंगे, यानी 0 + 10/2 = 5, 10 + 20/2 = 15, 20 + 30/2 = 25, तो ये हो इसके आगे हो जाएगा ये 35, 45 और 55। अगले कॉलम में हम F को X से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम मीन की कैलकुलेशन करेंगे तो हमको समेशन एफ एक्स की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर जब हम F को X से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें जो मूल्य प्राप्त होते जाएगा वो होगा 10, 45, 100, 305, 90, 55। इस तरह से समेशन एफ एक्स हमको 615 ज्ञात हो जाता है। अब क्योंकि हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की भी कैलकुलेशन करनी है, तो यहां पर हम मीडियन की कैलकुलेशन भी कर लेंगे। पहले मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए हम m = size of n/2th item इसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे साइज ऑफ 21/2th item, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 10.5th item। अगर हम 10.5th item को CF में देखते हैं तो 18 में वो हमको सबसे पहले ज्ञात होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 30 to 40 जो है वो यहाँ पर मीडियन क्लास होगी। तो इसके आधार पर जब हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा m = 30 + 40 - 30/9 × 10.5 - 9। यहाँ पर f यानी कि फ्रीक्वेंसी का यूज हम उस मीडियन क्लास के जस्ट सामने की फ्रीक्वेंसी को करेंगे, इसलिए हमने 9 लिया है। m हमने कैलकुलेट किया है 10.5 एंड c जो होगा वो इसके जस्ट एक पहले की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी cf है उसका मान होगा, यानी कि 9 होगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि m = 30 + 10/9 × 1.5, 30 + 15/9, 30 + 1.67, 31.67, ये हमें मीडियन ज्ञात हो जाएगा। इसके आधार पर हम डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम देखते हैं कि मीडियन, क्योंकि हमें 31.67 ज्ञात हो गया है, अब हम इसको एक्स से माइनस करते जाएंगे तो ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 26.67, 16.67, 6.67, 3.33, 13.33, 23.33। अब क्योंकि हमें f into dm की जरूरत पड़ेगी तो हम फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसको इस dm के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि 2 × 26.67 तो ये हो जाएगा 53.34, 3 × 16.67 50.01, 4 × 6.67 26.68, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें मिलते जाएगा 29.97, 26.66, 23.33। अब क्योंकि यहाँ पर हमको डिविजन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको मीन की कैलकुलेशन करनी होगी। मीन की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x = summation fx/n, यानी 615/21 जो हो जाएगा 29.29। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये 29.29 की जो वैल्यू है इसको x से
बार बार माइनस करते जाएंगे, जैसे 5 माइनस 29.29 तो ये हमें 24.29 प्राप्त हो जाएगा, 15 माइनस 29.29 तो ये हमें 14.29 ज्ञात हो जाएगा, इसी तरह 4.29, 5.71, 15.71 एंड 25.71 ही हमको ज्ञात होता जाएगा। अब क्योंकि हमने dx की कैलकुलेशन कर ली है, अब फॉर्मूले के लिए हमको fdx की जरूरत पड़ेगी, तो हम f को dx यानी जो डेविएशन फ्रॉम मीन था इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 2 इंटू 24.29 ये हो जाएगा 48.58, 3 इंटू 14.29 ये हो जाएगा 43.47। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 15.16, 51.39, 31.42, 25.71। अगर हम इसका टोटल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 215.73। अब हमें माध्य विचलन जो ज्ञात करना है वो पहले समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात करना है और फिर माध्यिका के आधार पर। तो जब हम समांतर माध्य के आधार पर माध्य विचलन की गणना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी 215.73 अपॉन 21 इज इक्वल टू 10.27। अगर हमको इसका कोफिशियंट कैलकुलेट करना है तो डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन ये हो जाएगा 10.27 अपॉन 29.29 जो कि 0.35 हमें प्राप्त होगा। जब हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीडियन के आधार पर करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन एफ डीएम अपॉन एन इज इक्वल टू 209.99 अपॉन 21 जो कि 9.99 हमें प्राप्त होगा। इसके आधार पर अगर हमको कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करनी है तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 9.99 अपॉन 31.67 यानी 0.315 कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन हम प्राप्त कर लेंगे।